डायरेक्शन पर पट्टी लगाएंगे ताकि फैब्रिक को पलटने पर गैदर्स की पट्टी उल्टी ना हो जाए। इसी तरह हम बाकी सर्कल पर भी गैदर्स लगा लेंगे। अब हम 13 इंच की लेंथ के एक गैदर्स की स्कर्ट तैयार कर लेंगे। इसकी राउंड वेस्ट 24 है और इस पर नीचे गैदर्स की पट्टी लगाएंगे। हम सर्कुलर पैटर्न को स्कर्ट के 4-4 इंचेस पर अटैच कर लेंगे। और सेंटून की लाइनिंग से अटैच कर लेंगे और हमारी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। हम 7 इंच लेंथ का एक फैब्रिक लेंगे और उस पर टॉप की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए 2 इंचेस डाउन आएंगे। अब हम फिटिंग लाइन की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारी राउंड चेस्ट और राउंड वेस्ट 24 है तो हम 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर्स और आर्म होल पर सीम लगाकर फैब्रिक को पलट लेंगे और उस पर गैदर्स की पट्टी लगाएंगे। हम गैदर्स की 3 पट्टियां एक साथ रख कर उन्हें अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे और बैक पार्ट पर हम बेल्ट लगा लेंगे। अब हम टॉप की फिटिंग लाइन पर सीम लगा लेंगे। इसके बाद हम 4 इंच की फैब्रिक की पट्टी कट कर लेंगे और उस पर गैदर्स लगाएंगे और इन पट्टी को हम अपनी टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इन पट्टियों को ऑफ शोल्डर स्टाइल में अटैच कर सकते हैं या फिर आप इन्हें शोल्डर स्ट्रैप्स के अकॉर्डिंग अटैच कर सकते हैं। अब हमारी टॉप रेडी हो गई है। अब हम अपनी टॉप को अपने बॉटम स्कर्ट से अटैच कर लेंगे। हमारा पार्टी वियर गाउन तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।